बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ तंदूरी चिकन बनाने की रेसिपी, वो भी विदाउट अवन और विदाउट तंदूर। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है, और किसी भी मायने में ये तंदूरी चिकन जो कि तंदूर में बनता है उसे किसी भी मायने में ये कम नहीं होता है इसका टेस्ट। तो तंदूरी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया हुआ है 1.5 kg, 1.5 किलो के करीब है ये, और इसमें मैंने इस तरीके से गैशेस लगा लिए, डीप कट्स लगा लिए हैं ताकि जो भी हमारा मैरिनेशन का मसाला है वो अच्छे से अंदर तक के जाए। और इस तरीके के बड़े बड़े पीसेस ही आपको करवाने हैं तंदूरी चिकन के लिए। अब हमें इसके मैरिनेशन की तैयारी करनी है, तो हम यहाँ पर एक बड़ा बोल ले लेंगे, इसी में हम अपना मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर बोल में मैंने 250 ग्राम दही लिया हुआ है। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, अगर आपके दही में पानी है तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसका वो हटा दें किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से या मसलिन क्लोथ की हेल्प से, लेकिन पानी इसमें दही में नहीं होना चाहिए, दही गाढ़ा ही होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, सॉल्ट डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के डाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके गरम मसाला पाउडर, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना है, लेवल करके डालना है, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो फिर आप जो रेगुलर लाल मिर्च घर में यूज़ करते हैं लाल मिर्च पाउडर वो डाल दें, और उसके साथ ही आप फूड कलर इसमें ऐड कर दें, ऑरेंज रेड फूड कलर जो आता है, और वैसे प्रेफर करें कि कश्मीरी लाल मिर्च ही इसमें डालें। 1 टीस्पून भर के इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाला, 2 टेबल स्पून हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हमें इन सारे मसालों को मिक्स कर देना है। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इन सारे मसालों को चिकन के लिए अच्छे से कोट करेंगे। हमारा चिकन मसालों से अच्छे तरीके से कोट हो गया है, अब हमें इसे फ्रिज में रखना है मैरिनेशन सेट होने के लिए। कम से कम 2 घंटे के लिए तो आप रखें इसे, और मैक्सिमम आप ओवरनाइट रख सकते हैं। जितना अच्छा मैरिनेशन सेट होगा उतना ही अच्छा आपका तंदूरी चिकन बन करके तैयार होगा। तो अब हम मिलते हैं 2 घंटे के बाद। चिकन को मैरिनेट होते हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है, हम एक बार फिर से हाथों से इसे इसके मैरिनेशन को पूरे में स्प्रेड कर लेते हैं रब करके, उसके बाद हम इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पैन हमारा यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें बटर ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून ही हमें इसमें बटर ऐड करना है, आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल जैसे कि। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, और हमें पूरे में स्प्रेड कर लेंगे इसे, और चिकन के पीसेस इसमें डाल देंगे। जितने पीसेस इजीली आ सके पैन में उतने ही आप डालिए, ओवर क्राउडेड मत कर देगा। तो अब हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक करके पकाना है जब तक कि चिकन हमारा टेंडर नहीं हो जाता। हमने तकरीबन 25 मिनट तक इसे ढक के पका लिया है, ये अच्छे से गल चुका है, तो इसका मीट है वो टेंडर हो गया है। देखें आप कितनी इजीली इसमें नाइफ जा रही है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमें इसे तंदूर का फ्लेवर देना है, क्योंकि हम इसे तंदूर पे तो बना नहीं रहे हैं, तो इसका फ्लेवर हम देंगे इसे। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट पर। इस तरीके से कोई भी ग्रिल नट आप रख लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेरे पास ये थी, मैंने यही रख लिया। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इस नेट के ऊपर चिकन के पीसेस रख देते हैं। इस तरीके से इसे घुमाकर हर तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। प्रोसेस करने से जो इसका फ्लेवर है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा, वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे कि मार्केट के तंदूरी चिकन का होता है जो कि तंदूर में बनता है। और आप चाहें तो इसे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, कोल को चारकोल के पीस को गर्म करके, और इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, और ज़्यादा अच्छा दिखने में भी ये वैसे ही लगेगा जैसे कि तंदूरी चिकन होता है।
ये देखें हमारा तंदूरी चिकन बन करके बिल्कुल रेडी है। हम यहाँ पर थोड़ा सा हमारे चिकन पर बटर डाल देंगे, उससे ये थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगने लगेगा और टेस्ट भी इसका काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और ये खाने में उतना ही टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें और बहुत अच्छा होता है। कोई भी इसे खा के अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आपने इसे बिना तंदूर के अपने घर पर बनाया है। इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है, जो कि यकीनन अच्छी लगी ही है आपको मुझे उम्मीद है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाएं, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सेलेक्ट ऑल भी कर लें, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो अपडेट्स आपको वक्त पर मिल सकें। अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।